महाराष्ट्र के पालघर में जो घटना हुई है बहुत ही दुखद और निंदनीय है। भगवान करे ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। दो साधुओं के साथ इतना बुरा बर्ताव, इतना गलत व्यवहार। जिन साधुओं ने अपना सर्वस्व त्याग कर अपने जीवन को संन्यास में बना लिया, अपने जीवन में संन्यास को धारण कर लिया और देश धर्म संस्कृति राष्ट्र की सेवा के लिए अपना जीवन लगाया और ईश्वर प्राप्ति के लिए, ऐसे व्यक्ति से किसी को भला क्या डर हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को लोगों ने इतनी निर्दयता से, मतलब लाठी से, पत्थरों से, कुल्हाड़ी से, ऐसे ऐसे हथियारों से, मतलब और सैकड़ों की भीड़ ने, वो तीन लोग थे, दो साधु सन्यासी और एक उनका ड्राइवर, इन तीन लोगों को गाँव के सैकड़ों लोगों ने बेरहमी से मारा पुलिस के सामने, पुलिस होते हुए। तो ऐसी, मतलब ये घटना ऐसी है, कोई कहते हैं कि गलती से हो गई, नहीं जी लोगों ने उनको ये समझ लिया, चोर डाकू आदि समझ लिया और उनके साथ ऐसा कर डाला। परंतु मैं ये कहता हूँ, इतना बड़ा कांड गलती से नहीं होता, ये किसी का षड्यंत्र है। इसे आप गलती समझ के आपको भ्रमित किया जा रहा है, तो इसकी जांच होनी चाहिए कि वास्तव में इस घटना के पीछे किसका हाथ है और किसने कराया है, क्या कराया है। जिस महाराष्ट्र की धरती को साधुओं की, संतों की धरती कहा गया है, जिस धरती पर ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, एकनाथ महाराज जैसे महान संत हो गए, आज उसी धरती पर साधुओं का लहू बहता है, तो बहुत ही ये निंदनीय घटना है। तो इस घटना का मैं घोर विरोध करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन दो महात्माओं को और उनके साथ जो ड्राइवर थे उनको सद्गति प्रदान करें।